गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ में सब्जेक्ट संस्कृत में लेसन 10 पर आते हैं। पार्ट 3 करेंगे, जिसमें आज हम वर्ड मीनिंग और अनुवाद लिखेंगे नोटबुक में। नोटबुक ओपन करेंगे सब बच्चे, पार्ट 10 लिखेंगे। पार्ट 10, आगस गाया मैं, आओ गाते हैं। शब्द अर्थ की हेडिंग डालेंगे, दक्षिण है दायाँ, वाम है बायाँ, पातुम पीने के लिए, किम क्या, कदा कब। अब हिंदी अनुवाद की हेडिंग डालेंगे, जिसमें हम हिंदी अनुवाद लिखेंगे, चलामी मार्गे जलेतरामी, मैं रास्ते में चलता हूँ, पानी में तैरता हूँ। क्रीडामी क्षेत्रे सदा हसामी, मैदान में खेलता हूँ, हमेशा हंसता हूँ। पठामी गेहे कथाम श्रेणोमी, घर में पढ़ता हूँ, कथा सुनता हूँ। नद्या तिरे अहम भरमामी, नदी के किनारे घूमता हूँ। सेकेंड है, ऐसे हंसते दक्षिण हंसते, यह हाथ दाया हाथ, ऐसे वाम हंसते, यह बाया हाथ, ऐसे पादें दक्षिण पादें, पाद मीन पैर, यह पैर दायां पैर, ऐसे वाम पादें, यह बायां पैर। अब थर्ड पैराग्राफ पर आते हैं, मेघ गरजती पतती च जलम, बादल गरजता है और पानी गिरता है। नेक्स्ट लाइन है, पृष्ठी बाल है गच्छति क अयम, पृष्ठी पूछता है, बालक पूछता है, यह कौन जाता है। नेक्स्ट लाइन है, गच्छती हस्ती पातुम जलम, हाथी पानी पीने के लिए जाता है। क्या करने के लिए जाता है हाथी? पानी पीने के लिए जाता है, कहाँ से? तालाब से, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट लाइन है, रक्षती जननी अंके बालम, रक्षती रक्षा करती है, जननी माता, अंके गोद में, बालम बालक की, माँ बालक की गोद में रक्षा करती है। ये सब बच्चे लिखेंगे, ध्यान से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और साथ साथ इसको रीडिंग करने की कोशिश करना, इसकी रीड करना, ताकि आपको साथ साथ याद भी हो जाए, ठीक है। थैंक यू।